स्नेहा भाई यूट्यूब चैनल के भी जोरदार तालियां से चाहूंगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैमरा लगा हुआ है, यह है नेहा भाई यूट्यूब चैनल। इसमें रिकॉर्डेड और लाइव प्रोग्राम इस दशाई फल महोत्सव का आज से शुरू हो रहा है, तो यूट्यूब चैनल पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि महोत्सव की सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। यार क्या दिखती है मैम, हाँ जी। तो जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि दशाई थल महोत्सव की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, बाकी आज है 19 तारीख, आज से 4 दिन के लिए दशाई थल महोत्सव शुरू होने जा रहा है। पहला दिन है आज महोत्सव का, सो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। बाकी थोड़ा सा एक मौसम का अपडेट, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 10:30 का टाइम हो रहा है और मौसम देखिए कैसा, सन भी नहीं दिख रहा है, हल्के हल्के आसमान पे बादल है पूरे आसमान पे, और धूप भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है आज, धूप दिख ही नहीं रही है अभी तक तो नहीं दिखी है, बाकी ऐसा कुछ हो रहा है मौसम। तो फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ, थोड़ा सा मुझे मार्केट का काम निपटाना है, क्योंकि मार्केट का काम निपटा के फिर घर पर आना पड़ेगा, उसके बाद फिर शाम को और जाना पड़ेगा महोत्सव के लिए दशाई थल। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ अभी फटाफट से पहले मार्केट वाला काम निपटा लेते हैं। आज ज़्यादा दिन भर का ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊँगा, सीधे आपको ज़्यादा से ज़्यादा महोत्सव की क्लिप्स देखने को मिले कोशिश करूँगा। देखते हैं पहला दिन है क्या क्या प्रोग्राम रहता है आज, और कल जो झूले वूले का आइटम आया था वो सब लग गया है नहीं लग गया है वो सब भी देख के आएंगे, जितना भी हो पाया सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। प्लस हो सकता है लाइव भी आऊँ, लाइव आके भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं निकल गया हूँ, फिलहाल जाते हैं मार्केट तक, बाकी अभी मैं पहुँचा हूँ सिंखोला फील्ड में। बाकी महोत्सव में कौन कौन आ रहे हैं अभी तक यही पता नहीं है, एक तो जितेंद्र तोमक्याल ये आ रहे हैं, बाकी सूफी सिंगर कोई आ रहे हैं और तो अभी फ़िलहाल मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जो भी आएंगे दिखाएंगे आपको। आज तो महोत्सव से आने के बाद काफ़ी लेट हो जाएगा हमको, दादा और मैं आएंगे रात को, पहुँचेंगे 11-12 बजे पहुँचेंगे घर पर। अब प्रोग्राम कितने चलते हैं उस हिसाब से, नीचे रोड से भी काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बाद एडिटिंग वगैरह, तो टाइम टू टाइम व्लॉग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन डे टू डे करने की कोशिश तो रहेगी, हो जाए तो अच्छा ही है। तो एक बार फिर से पहुंच गए हैं दशाई थल फील्ड, जहां लगने जा रहा है आज से दशाई थल महोत्सव। ये देखिए रोड से थोड़ा सा ऊपर आना है, यहाँ पे स्कूल के जस्ट ऊपर पे हेलीपैड है, यहीं पे दशाई थल महोत्सव आज से स्टार्ट हो जाएगा। माइक वाइक में कुछ बोल तो रहे हैं, इस साइड माइक लगा रखे हैं दो बड़े बड़े। तो झूले वगैरह तो लग गए हैं यहाँ पे, एक कुछ ट्रेन वाला लग रखा है और जंपिंग वाला इधर लग रखा है, और बाकी इस साइड भी कुछ झूला लगने जा रहा है, और कुछ कुछ दुकानें भी लग गई हैं यहाँ, जैसे कि एक दुकान यहाँ लगी है चाउमीन की। इधर भी कुछ कपड़ों की दुकानें लगी है, बैग और कपड़े। उछलो फिर एक बार, उछलो एक बार। तो महोत्सव की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई हैं, इसमें कुछ ट्रेन वाला झूला ये लगने वाला है, बाकी वो जंपिंग वाला लगा हुआ है, कुछ एक दुकान यहाँ लगी है, और भी दुकानें लग रही हैं धीरे धीरे, और इस साइड पूरा मंच वगैरह बन गया आगे। तो महोत्सव की पूरी तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन मौसम कहीं गड़बड़ ना कर जाए ऐसा लग रहा है,
और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है। और यहाँ पे स्पेशल लोगों के लिए कुछ स्पेशल चेयर्स लगी हुई हैं, स्पेशल जगह। और ठीक सामने है यहाँ पे मंच, थोड़ा सा मंच तक जाते हैं, वहाँ से दिखाते हैं कैसा सीन है आगे का। मस्त बना दिया वैसे सब कुछ सारा, ये देखिए ठीक सामने पे यहाँ लोगों के बैठने के लिए जगह है। बाकी ये है स्टेज, इस पर अभी काम चल ही रहा है, लाइटिंग वगैरह नीचे साइड लगी हुई है। एक छोटा छोटा झूला इधर भी लग रहा है, ये वाला बच्चों वाला, छोटे छोटे बच्चों वाला। तो घर से आ गए थे बिना लंच किए हुए, तो मैंने कहा कर लेते हैं हम भी लंच। लंच में बिरयानी बनी हुई थी। तो दोपहर के बज गए हैं 3 और दादा और मैं भी निकल गए हैं वापस घर को। दादा पीछे पीछे आ रहे हैं पापा को लेके गाड़ी से, मैं हूँ बाइक वाला। तो हल्के हल्के बारिश के छींटे पड़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा भाग रहा हूँ। बाकी अब आएंगे हम लगभग 6:30-7 बजे, उसी के बाद जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होंगे उसके बाद ही होंगे। बस मौसम गड़बड़ ना कर जाए, आज मौसम ने अगर गड़बड़ कर दी तो कार्यक्रम में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। फिलहाल काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम, आज वैसे सुबह से ही धूप नहीं दिख रही थी लेकिन शाम होते होते हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई और आधी वाँधी भी चलने लग गई। तो अब आराम से घर पे जाते हैं, खाना पीना खा के उसके बाद आएंगे हम लोग। एक तो इस साइड पूरे बांज वाँज के पेड़ है ना खूब सारे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और बाइक में तो काफ़ी ज़्यादा। आजकल तो वैसे भी जैकेट नहीं पहन रहा हूँ तो इस वजह से ठंडा भी काफ़ी लग रहा है। इस बार बड़ा वाला झूला मुझे लग रहा आया नहीं है, या फिर आने वाला है पता नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं लगा है। क्या पता 4 दिन का प्रोग्राम है तो क्या पता अभी लगेगा। बाकी छोटी मोटी बहुत सारी दुकानें लग गई हैं। जैसे जैसे पहुंच रहे हैं बारिश भी बढ़ते जा रही है। अभी हमने जाना है यहाँ से काफ़ी सारा पैदल ऊपर को, पता चले घर पहुँचते पहुँचते भीग ही गए पूरा, बारिश तो बढ़ गई है। जब तक दादा लोग आते हैं मैं बाइक वाइक लगा के आराम से बाइक ढक लेता हूँ पहले। दादा तो यहीं पे लगाएंगे गाड़ी, मैं ऊपर ही डालता हूँ बाइक। यहाँ पर लगाते हैं बाइक वाइक, ढक देता हूँ, कवर भी मैंने यहीं डाला था। ये देखिए मौसम के क्या हाल हो गए हैं, पूरे आसमान पे एकदम काले काले बादल और एकदम ठंडा ठंडा वाला मौसम हो गया है। ऐसे में शाम का प्रोग्राम भाई साहब कैसे होगा पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने किया है ना प्रोग्राम उनके लिए कितनी दिक्कत है। ये देखिए बारिश हो गई है स्टार्ट। तो रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं दसाईथल फील्ड, दसाईथल महोत्सव में। तो ऐसा कुछ है अभी का नज़ारा, थोड़ी देर में कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे इधर। चलो फिर शुरू हो जाओ, मारो एक प्यार चले कि सीखा हो प्यार नहीं दिया है इसने। हाँ गेट के बाहर से भी उतरना है। किस पे है नजर आपकी, शो के नोट पे? चल चल मार, चल दीवार पे मार। यार नजर तो मेरी पक्षी में है लेकिन शो के नोट पे होनी चाहिए नजर। वापस कैसे होगा? एक ट्राई हमारा अभी ये। और एक मधुर बालिका गायिका हमारे बीच है, सामने बैठी है रागिनी कृष्ण। और हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही महान सांस्कृतिक दल आज आपके बीच यहाँ पर अपनी पेशकश के लिए आया है। नाम है माँ शारदे सरस्वती सत्री जयला जिनके तलायक है मास्टर हरी कपूर, छोटा तालियां सभी के लिए।
और उसके अलावा मास्टर भले भाई भी यहाँ पर रखना बालक आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। माँ शारदे माँ सरस्वती भगवती महाकाली माता की प्रखंड की पूजा शुक्रिया दीप जलील के यहाँ पर पधारने का कष्ट कर और आपकी माँ सरस्वती पुजारी से पर नहीं है तो माँ सरस्वती का आपको रुपये का पास कर लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट में कमी आई है। जिंदा तालियां पीछे से कोशिश में लोग विराजमान है आपसे अनुरोध कर दिया जोरदार ताली से जरूर स्वागत करें क्योंकि कलाकार की धन दौलत होती है आपकी तालियां। अगला कार्यक्रम उसे अच्छा लाने की कोशिश करता है अगर तालियां नहीं मिलती तो मायूस होकर कलाकार नहीं जाता एक बार जोरदार तालियां। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कैमरा लगा हुआ है यह है नेहा बाई यूट्यूब चैनल इसमें रिकॉर्डेड और लाइव प्रोग्राम इस दसाई फल महोत्सव का आज से शुरू हो रहा है तो यूट्यूब चैनल पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो स्नेहा बाई यूट्यूब चैनल के भी जोरदार ताली आपसे चाहूंगा। ताली में जिसने तो पीछे देखिए उतनी सर्दी नहीं है पीछे लोग यूं हाथ बांध के खड़े हैं। अरे तालियां बजाना आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है जोरदार ताली एक बार पीछे वाले। अब इसके पहले 1996 में जब रिटायर हुआ आपके गुरु की गाथा आपका त्याग और बलिदान मैं फौज में भी सुना करता कि कहां से गहरी कौन सी मिट्टी से पैदा हुए और मैं आते ही आपसे जुड़ा उत्तराखंड दल से क्रांति दल से और आज भी वो उत्तराखंड क्रांति दल आपका संघर्ष आपकी उत्तराखंड की लड़ाई आज भी मेरी जहन है। जलस कुमार जी ढकियाल और ढकियाल जी के बाद एक प्रस्तुति और होगी माँ शारदे सांसदीय समिति लेकिनाथ पिथौरागढ़ की उसके बाद मेरी परमादरणीय काशी गहरी जी मंच पर आएंगे अपने दो शब्दों के रंग माइक मेरे पास है और नीरज खिला दो प्रोग्राम नीरज शरद संजू सुनील कार्यक्रम की अगर कोई इस बुद्धि की आवाज है खिलाना आपका पार बहुत शुक्रिया जोरदार तालियां नमस्कार मैं आप सभी का इस दसाई फल महोत्सव में स्वागत करती हूँ और आदित्य भैया को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हर साल मुझे इस मंच में आने का अवसर दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां आदित्य भैया के लिए बजा दीजिए धन्यवाद। अपनी छव बनाए के जो मैं पी के पा आपके सामने है और इसके अलावा गियर वाली साइकिल जी हाँ और वॉशिंग मशीन आटा चक्की इसके अलावा 50 अन्य सांत्वना पुरस्कार। तो देर किस बात की हमारी टीम वहां पर मौजूद है आप देख सकते हैं पहले काउंटर में बैठे हैं भाई साहब वहां और मैं प्रणाम करंजाल हमारा
मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय और उमर दगड़ाई नाग समस्त अतिथि उनके मैं सादर प्रणाम छू और आदरणीय कैप्टन मुंडिया जी हमसे प्रणाम कर छू मंच बिठे क्योंकि जब बिठे मैं शुरू कर छा आप लोगों के सानिध्य में मैंने शुरू किया तो सादर प्रणाम है माँ कालिका भूमि में हम आ रहा तो मैं चांस के आज कार्यक्रम की शुरुआत चार लाइन माता रानी चरणों में अर्पित करूं और बाद जी कोला गाला हो खिड़की में बेरोली गीत सुने तो मुल्ले यस वो गीत लगे हम गा जरूर और साथ में हमारे बहुत शानदार म्यूजिशियन हमारे बीच में छन जो सुनन मेरे नाम का दिन बिटे तो आओ दो लाइन माँ काली माता चरणों में अर्पित कर लू हाटे की हाटे की कालिका मैया Yeah.
छोटा ताजा पुरुषी महाराज जी के लिए, और आपसे अनुरोध करूंगा कि शॉल उड़ाकर परमात्मा काशी ज्ञानी जी को सम्मानित करने का कष्ट करिए। छोटा ताजा मसीह जी, तालियां ताली में कभी ना हो। और यही से मैं अनुरोध करना चाहूंगा मेरे परमादरणीय परम श्रद्धेय काशी हरी जी से कि आशीर्वाद के दो स्वरूप दो शब्द यहाँ पर आप कहने का कष्ट करिए ताकि सफलता की ओर हमारे महोत्सव जाए। हाट कालिका मैया की, हाट कालिका मैया की, हाट कालिका मैया की। इतना बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें भाषण, ये तो नाइंसाफी है। लेकिन हमारा बेटा आदित्य जो कुछ कर रहा है, करता रहा है और आगे भी करेगा, उसके लिए धन्यवाद देना बनता है। इसलिए धन्यवाद देने के लिए मैं पिथौरागढ़ से यहाँ आया हूँ, यहाँ आके उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से। इस महोत्सव को और बड़ा बनाएंगे, ये सबके प्रयास से होना चाहिए। मैं तो इस मौके पर यही कह सकता हूँ, मैंने हमारे साथियों से पूछा भी कि ये लड़का इतना आयोजन करता है, इसके ये कैसे कर लेता है। अभी कप्तान साहब ने बताया कि कोई सहायता नहीं है, कहीं से सहायता नहीं लेता, खुद के दम पर बनाता है, आप सब लोगों के प्यार और मोहब्बत के दम पर बनाता है। मैं कोशिश करूंगा कि सरकार हो या कोई और संस्था हो, अगर वो इस महोत्सव को और बड़ा भव्य बनाने के लिए, इस महोत्सव को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए अगर कुछ कर सकेगी, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा सरकार से भी और संस्थाओं से भी कि इस महोत्सव को आगे बढ़ाने के लिए उसको भरपूर मदद दी जाए, भरपूर सहयोग दिया जाए। Shining in the setting sun like a pearl. Good morning, ma'am. Okay, iska answer jaldi se yaad karo. Main 5 minute mein aati hu. Yaar, kya dikhti hai, ma'am? Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me. Shining in the setting. Sun like a pearl upon the ocean, come and feel me. शुभकामनाएं देना चाहूंगा आप सभी को दसाई थल महोत्सव 2023 में। बीच एक छोटी सी न्योली से गीत की शुरुआत कर रहा हूँ। Thank you.
Yeah.